आज का दिन बहुत अहम बहुत खास है। अगर आप शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं कृपा, आज हम आपको बताएंगे। तमाम ज्योतिष हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक बड़ा पैनल ज्योतिषियों का हमारे साथ रहेगा और साथ ही साथ हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज है वट सावित्री व्रत, आज है शनि जयंती, किस तरीके से हम शनि की कृपा पा सकते हैं और आज एक बड़ा सहयोग किस तरीके से बन रहा है, कितना शुभ और फलदायी है ये। अगर साढ़े सात ही आप पर चल रही है शनि की ढैया अगर आप पर चल रही है तो आपको क्या करना है, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। तो शनि जयंती को लेकर खास तौर से तैयारियां भी अलग अलग शनि मंदिरों में की जा रही हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको हमारे सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं। और इसके अलावा शनि जयंती के मौके पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो शनि धाम मंदिर के संस्थापक दाती महाराज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनि, परंपरा देखिए ना, शनिदेव कर्म फल दाता है और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं उसी से भयभीत। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। शनि कर्म फल दाता है, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है यह काम शनिदेव का है, न अच्छा न बुरा। परम न्यायाधीश न्याय के पद पर विराजमान होकर मनुष्य के किए गए कर्मों के जो भंडार है उसमें से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है यह काम शनि देव का है। अब भाई सीधी सीधी बात है, अकाउंट आपका है, अब यह आपको देखना पड़ेगा कर्मों का खजाना आपका कैसा है। और यह एक भरम है, भय है कि शनि प्रतिकूल, शनि कभी प्रतिकूल नहीं, हमारे कर्म प्रतिकूल होते। तो अपने कर्मों का अकाउंट, क्योंकि हम सभी लोग मैनेज करते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने मन को हम ही समझ सकते हैं, अपने मन को हम ही जान सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम ही एक्सप्रेस करते हैं और वो हमारे ही अंदर है और ये हम ही जानते हैं कि आखिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होंगी तो आपको फल मिलेगा, नेगेटिव होंगी तो हिसाब करने के लिए शनिदेव बैठे हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस वक्त शिल्पी और गुंजन दोनों हमारे साथ हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जेपी जी, आज शुक्रवार का दिन है, वैसे तो देखिए हर शनिवार को हम दान पुण्य करते हैं, तमाम लोग खासतौर पर जो रिकमेंड किया जाता है कि अगर साढ़े साती या फिर आप पर ढैया चल रही है तो उस दिन आप विशेष दान करें और वो भी समय रहता है शाम का, लेकिन आज शुक्रवार है, शनि जयंती है, तो आज के दिन भी क्या उसी तरह का दान, उसी तरह की पूजा होगी और वक्त भी क्या शाम ही का रहेगा या फिर आज का दिन, क्योंकि पूरा दिन ही जयंती चलनी और किसी भी पहर हम जा सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम आपके प्रश्नों में ही उत्तर छुपे हुए हैं। अब शनि जयंती आज है तो आज ही मनाई जाएगी कि पंचांग के आधार पर अमावस्या आज है, अमावस्या के दिन ही शनि जयंती होती है। दूसरी बात, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, शनि जयंती पड़ रही है और साथ में ये शुभ संयोग जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, गज केसरी योग, शक्ष योग, ये सारे योग आज ही पड़ रहे हैं, तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। क्योंकि हमारी छोटी सी भी कोई कृत्य, जो हम जैसे शनिदेव को तेल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अपनी प्रार्थना करनी है, मंत्र जप करना है, वो हमें 100 गुना फल देता है। इन योगों का जो लाभ हमें मिलता है वो यही मिलता है कि उस समय आपकी जो मनोकामना है सर्वपूर्ण फलीभूत होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी यहां पर जुड़ने वाला है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिएगा कि यहां शाम के समय हम शनि की अर्चना क्यों कहते हैं, क्योंकि अंधकार हो जाता है, सूर्य के सामने शनि की उपासना नहीं करी जाती। कहा जाता है कि सूर्य और शनि की शत्रुता है, वह अभिप्रीत रहते हैं, तो इसीलिए शाम के समय पूजा अर्चना करी जाती है। तो आप शाम के समय पूजा अर्चना करें तो बहुत लाभकारी होगी।